श्री गांधी आश्रम खादी भंडार के तत्वाधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व शास्त्री की जयंती के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जलकल स्थित खादी भंडार के कार्यालय पर किया गया। इस मौके पर शिक्षक नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, व्यवस्थापक अरविंद पांडे, संयोजक राजेश कुमार द्विवेदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा, जोरदार तालियों से हम लोग के जब महिला शक्ति पे जोरदार तालियों से स्वागत, तो फिर से बधाई देता हूँ अग्रवाल अग्रवाल जी हम लोग के बीच। तो हमें इन भेड़ियों के आपस में लड़ गए और वो आजादी के समय नहीं है। गांधी जी किस प्रकार उसमें इन्वॉल्व हुए थे, क्या सोच करके गांधी जी खुद हुए, फिर देश की क्या स्थिति हुई और फिर कैसे कश्मीर की सत्ता, वो गांधी जी संत थे, शासन पर्व है और इंदिरा जी ने उसको दीवार दीवार दिया गया, कपिलवा जी का नाम लिया गया, तो ऐसा ही कुछ गांधी जी के साथ हुआ है। गांधी एक महापुरुष थे, शाश्वत मूल्यों पर चलने वाले थे, गांधी को जानना है तो गांधी के उन मूल्यों पर जिनसे होकर महात्मा बने उसको आप देखिए, उसको आप पढ़िए, आप भी शायद गांधी बन सकते हैं। और निश्चित रूप से गांधी की क्या प्रासंगिकता है आज, निश्चित रूप से हमने कहा विश्व स्तर पर गांधी का प्रतीक है। आज के कार्यक्रम में 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर हम लोग श्री गांधी आश्रम सिकोहाबाद जलकल भवन में उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हरशंकर पांडे जी, विशिष्ट अतिथि आद्या प्रसाद द्विवेदी जी एवं डॉक्टर सत्या पांडे पूर्व महापौर डॉक्टर संजय त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। और खादी की आज व्यवस्था यहाँ के प्रबंधक जी कहे हैं कि गांधी के देश में खादी की व्यवस्था इस तरह से नहीं होनी चाहिए, उनको इस बात का रोष भी है और अंतर से आत्मा भी दुखित है, तो उनके बात को थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए सरकार को। और आज गांधी जी के जन्म पे अवसर पे एक गली से लेकर संसद तक पदयात्राएं निकाली जा रही हैं और सब कुछ किया जा रहा है। ऐसे बापू को सभी लोग नमन करते हैं और चाहते हैं कि ये गांधी का देश आगे बढ़े और सारे नौजवान एक जो इस समय बेरोजगारी से हैं वो गांधी के कुछ सीख लेके आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ हम राजेश कुमार द्विवेदी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आचार्य कुल, गांधी जी के जन्मदिन पे ढेर सारी उनको नमन एवं वंदन।